अगर आप भी पहली बार फ्लाइट से सफर करने वाले हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सेव जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो फिर आपको फ्लाइट टिकट पर 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है बुक करते वक्त। इससे बहुत ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपके पास वैलिड स्कूल या कॉलेज की आईडी होनी चाहिए, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, अगर आप फ्लाइट से सफर करने वाले हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही आप वेब चेक कर लीजिए ताकि एयरपोर्ट वालों को ये कंफर्म हो जाए कि आप जरूर आने वाले हो और ऐसे में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा, जब भी आप एयरपोर्ट पहुंचे तो ये ध्यान रखें कि आपके पास आपके टिकट्स और साथ ही आपके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये होना चाहिए ताकि वहां पर आपको एंट्रेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास फ्लाइट में ले जाने के लिए कुछ छोटे बैग्स हैं तो उन्हें तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ा अगर कोई बैग है तो वो आपको फ्लाइट वालों को देना पड़ेगा। लेकिन बैग देने से पहले आप अपनी कीमती चीजों को बैग से जरूर निकाल लें, वरना ये अगर गुम जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी फ्लाइट वालों की बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि अगर आप फ्लाइट में पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं और आप अगर विंडो सीट चाहते हैं, आपको विंडो सीट नहीं मिली है, तो फिर वहां पर काउंटर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर काउंटर पर रिक्वेस्ट करने के बाद विंडो सीट खाली होती है तो वो आपको मिल सकती है। तो जल्दी से जाइए, टैग करिए इस वीडियो में उन लोगों को जो पहली बार फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले हैं, और आपने कितनी बार फ्लाइट में ट्रेवल किया है कमेंट करके जरूर बताएं।